हेलो 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 फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब लोग एक बार मुझे फटाफट लिख के बताओ इज़ माय वॉइस ऑडिबल और नॉट क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो भाई लिख दो फटाफट फिर मैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स बस एक बार लिख दो फटाफट इज़ माई वॉइस ऑडिबल और नॉट फटाफट लिखो फटाफट आज की क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है <coughs> जी फटाफट लिखो इज माई वॉइस ऑडिबल और नोट अभी भाई मुझे आपके मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं जैसे ही मैसेजेस मिलेंगे ओनली देन आई कैन स्टार्ट द क्लास तमल झा कह रहे हैं ऑडिबल सर बाकी लोग भी फटाफट लिख दो फटाफट ऑडिबल और नॉट क्लास इज ऑडिबल और नॉट चंदा झा ऑडिबल सर तमल झा विजिबल सर सिया शर्मा यस सर ऑडिबल रिया थापा यस सर सी एम ए यस सर निशांत कटियाल मुझे सब सुनाई दे रहा है स्नेहा शाह ऑडिबल सर चुलबुली जैसी ऑडिबल सर अन अचारी <laughs> ये मतलब कैसे नाम रख लेते यार तुम लोग गुड इवनिंग सर जी गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग दमनदीप सिंह हेलो सर हेलो एवरी वन हेलो 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 यार एक बार फटाफट थोड़ी अटेंडेंस टाइप लगा दो मतलब वॉइस ऑडिबल है या नहीं है फिर अपनी क्लास को आज मस्त वाली स्टार्ट करने वाले हैं रिदमेटिक गाय यस yes, सर <coughs> स्वीटी स्वीटी ओ सॉरी स्वीटी शाह यस yes, सर दिव्या सिन्हा ऑडिबल सर श्रीपद हांचिटे ऑडिबल एंड विजिबल एक कोशिश दिल से हेलो 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 हर्षला नेगी यस अचारी अयान अचारी ऑडिबल एंड विजिबल भगत हनुमान जी के जय हनुमान जी ऑडिबल सर प्रवत बारिक यस सर रोशन कुमार यस सर चलिए सर मैं आपने आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल ध्यान रखना सबसे पहली बात आज की क्लास ना बहुत इंपॉर्टेंट है आज मैं एक चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम लेवी एंड कलेक्शन है सेक्शन नाइन है अपने आप में एक सिंगल सेक्शन है सेक्शन नाइन और उसका एक सिंगल चैप्टर बनता है ये वो मैं आज कंप्लीट करने वाला हूँ गाइस और मैं बताऊँ मेरा मानना है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर आता है मतलब पाँच नंबर का भी आ सकता है दस नंबर का भी आ सकता है सात नंबर का भी आ सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा प्रैक्टिकल नहीं बनेगा तो आज की क्लास आपको सेवन टू टेन मार्क्स बड़े आराम से दिला सकती है और ये क्लास मैं बड़े आराम आराम से करवाने वाला हूँ बहुत फास्ट हम फास्ट नहीं करवाने वाला धीमे धीमे बढ़िया तरीके से कि आपको समझ आए और आज ही क्लास में रट भी जाए ऐसे ही करवाने वाला हूँ लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सभी लोग प्लीज़ लाइव आ जाएं और अभी से क्लास को देखना शुरू कर दें बिकॉज मैं क्लास ख़त्म होते ही प्राइवेट करूंगा हाँ मैं क्लास खत्म होने के बाद शायद 10 से 15 मिनट का वेट कर लूँ क्योंकि आपके हो सकता है कि चैनल पर ऐड आ जाती हो तो 10-15 मिनट का मार्जिन मैं ले लेता हूँ लेकिन आप लेट ज्वाइन करते हो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ आप लेट ज्वाइन करते हो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ आप बाद में देखोगे मैं रिस्पॉसिबल नहीं हूँ मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा आज मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि मैं ये क्लासेज प्राइवेट क्यों करता हूँ बड़े सारे बोलते हैं सर आप क्लासेस प्राइवेट क्यों करते हो पिछले बैच में तो आपने नहीं की थी प्राइवेट उससे पिछले बैच में तो आपने नहीं की प्राइवेट सर मैं बताऊं मोर देन टू थाउजेंड स्टूडेंट्स ऐसा है जो डेली बेसिस पे पी लेते हैं हमसे टू थाउजेंड से, से ज़्यादा आप समझ सकते हो कितने सारे बच्चे जुड़े होंगे वो बच्चे क्या करते हैं क्लास के नोट्स ले लेते हैं और बाद में क्लास को रख लेते हैं ऐसे मतलब कल देख लूँगा परसों देख लूँगा बस है ना रिविजन रखी हुई ना मैं इसको बाद में आराम से देख लूँगा और उन्हीं बच्चों के अब मैसेज आ रहे हैं कि सर हम नहीं देख पा रहे हैं हम हमारे पास क्योंकि ये एक ऑप्शन आ गई है कि हम बाद में देख सकते हैं और इसी ऑप्शन की वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं कुछ ऐसा कर दो सर कि हमें देखने ही पड़े हमारे पास च्वाइस ही ना बचे हमारे पास ऑप्शन ही ना बचे भाई हमें पढ़ना ही पड़े अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा ऐसी फीलिंग मन में आ जाए सर मैंने कहा भाई इसका तो एक तरीका है किसी ज़माने में क्लास फ़ेस टू फेस हुआ करती थी रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग कोई सिस्टम हुआ नहीं करता था जो बच्चा क्लास मिस कर दिया करता था उसकी क्लास गई वही सिस्टम था भाई वही सिस्टम था तो गायज मैं आपको बताऊं बात ये है बात ये है कि आ, बात ये है कि अगर आप मिस करोगे अगर आप मिस करोगे तो आप मतलब अब नहीं देख पाओगे आप तो मैं बोलूँगा देखना है तो क्लास में लाइव ही बैठना है एक काम मैं कर सकता हूँ आप सब की रिक्वेस्ट पर अगर आप चाहो तो अगर आप चाहो तो मैं एक काम रिक्वे आपकी रिक्वेस्ट पर कर सकता हूँ बहुत बढ़िया काम कर देता हूँ सुनो बड़े ध्यान सुनो दोस्तों बड़े ध्यान से बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कई स्टूडेंट कहते हैं सर एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग इस क्लास को जब देखते हैं ना तो हम धीरे धीरे नोट्स बनाते हैं मैंने कहा नोट्स की पीपीटी मैंने दे दी आपको तो क्या बनाते हो नोट्स की पीपीटी तो नहीं बोले नहीं सर आपने नोट्स की पीपीटी जरूर दी है पर आप इस पर ना कुछ कुछ लिखते रहते हो मैंने कहा हाँ वो तो मेरे को मालूम है बहुत कुछ लिखता हूँ इसके ऊपर कह रहे वो सब हम भी नोटिंग करते हैं सर और सर आप आगे बढ़ जाते हो हम रह जाते हैं अब आप बताइए सर हम कैसे करें मैंने कहा यार ये बात मैं तुम्हारी सहमत हूँ कि वो नोट्स बनाने में तुम्हें दिक्कत आती है मैं, हाँ मैं आज फिनिश करवा दूंगा सिया शर्मा मैं ये चैप्टर आज फिनिश करवा दूंगा पहले सुन लो मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ सर मैं ना एक व्हाट्सऐप चैनल बनाया मैंने व्हाट्सएप चैनल आजकल ना व्हाट्सएप चैनल भी बनने लग गए हैं मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है टीम ने मुझे बना के दिया है एक व्हाट्सऐप चैनल उस व्हाट्सएप चैनल का ना मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा शायद डाल रखा हो नहीं तो डाल देंगे अभी व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं बता रहा हूँ आपको अभी डल जाएगा अभी डला नहीं हुआ वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डल जाएगा आप उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो मैं क्या करूँगा जब ये क्लास खत्म होएगी ना तो मैं इसी ppt को दोबारा उस व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा सर उससे क्या होगा मैं उसमें वो भी डाल दूंगा जो मैंने लिखा हुआ है इसके ऊपर जो आज मैं लिखूंगा ना वो लिखा हुआ भी उसके अंदर डल जाएगा वो लिखा हुआ भी उसके अंदर डल जाएगा फिर आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा बाद में आप क्लास के बाद उसे नोटिंग कर सकते हैं जिसका मन करता है नोट्स बनाने का वो बना सकते हैं लेकिन क्लास तो आपको एक ही बार में देखनी पड़ेगी दोस्त क्लास तो आपको एक ही बार में देखनी पड़ेगी और कोई चॉइस नहीं है मैंने स्टूडेंट के कहने पर ही ये ऑप्शन खत्म करी है मेरा कोई दिल नहीं करता था क्लास को प्राइवेट करने का लेकिन ये ऑप्शन मैंने स्टूडेंट के कहने पर करी है अच्छा मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आ, अगर आप सहमत हैं अगर आप सहमत है तो प्लीज यस सर लिखिए अगर आप सहमत है तो प्लीज़ यस सर लिख दे हर्षरा नहीं कह रही है आज तो यंग लग रहे हो चलो आगे सुनो एक बात क्या बोल रहा था मैं भूल ही गया यार आ, मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं 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 ये कह रहा था कि आप लोग आप लोग ना उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना और जो जो इसमें मैं लिखूंगा ना मैं डेली बेसिस पर जब भी क्लास लूंगा चाहे डीटी की हो चाहे आईडीटी की हो उसके नोट्स उसी दिन की डेट के साथ डाल दिया करूंगा जो जिसमें लिखा भी होता है नोट्स वो पहले मिल जाते हैं पर मैं लिखता बहुत कुछ बीच बीच में है ना नए 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 स्लाइड खुद बना देता हूँ उसमें बड़ा कुछ लिखता हूँ बच्चा कहता है वही तो नोटिंग करना था वो तो आपने खत्म हो गया क्लास तो भाई अब आपको डरने की जरूरत नहीं है नोट्स आपको क्लास के बाद ही मिल जाएंगे बस क्लास को रेगुलर ज्वाइन करो तो भी आपको मज़ा आएगा तभी आपको मजा आएगा देखो निलंजन चौधरी कह रहा नो 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 बस क्लास को लाइव प्राइवेट छोड़ प्राइवेट मत करो नो नो मुझे पसंद नहीं है ऐसे नहीं होता बेटा लाइफ में कामयाब होना है तो वन शॉट दो वन शॉट वन शॉट समझते ना एक ही बार में वन टेक में भाई साहब ये कोई ये कोई इंस्टाग्राम की रील नहीं है जो तीन बार ऐसे ऐसे करना है चार बार करना है अभी वन शॉट में देना है ये सी एम ए का एग्जाम है वन शॉट में पास करना है अगर आप सहमत हो तो उसके आगे ही कुछ बोल रहे थे क्या मैंने पढ़ा ही नहीं भाई सर व्हाट्सएप चैनल लिंक चलो मैं अपनी टीम से बोल देता हूँ भाई टीम मेरी टीम सुन रही होगी डेफिनेटली भाई जो मेरी टीम इस टाइम सुन रही है ना मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो लोग अपना जो व्हाट्सएप का चैनल है हमारा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें ताकि मैं स्टूडेंट को बता सकूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डल गया है सो दैट so आप लोग उसे फॉलो कर सको और फिर मैं उसके ऊपर नोट्स भी डाल दिया करूँगा इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरी क्योंकि एक एक बच्चे को नोट्स दोबारा भेजना बड़ा डिफिकल्ट है लेकिन उसके ऊपर भेजना बड़ा ईजी रहेगा ठीक है वन शॉट शॉर्ट जी वन शॉट यस गाइस चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डिले हो गया नो बाईस हो चुके हैं बट चिंता मत करना आज की क्लास के लिए कोई टेंशन मत लेना रिलैक्स होकर बैठना मैंने बोला मैं रिवीजन की तरह फास्ट फास्ट नहीं करवाने वाला एक चैप्टर एक सेक्शन कम से कम सेवन टू टेन मार्क्स बड़े आराम से करेंगे और आज आपको रटवा के भेजूंगा ठीक है तो शुरू कर दू बोलो फटाफट आर यू रेडी गाइस जल्दी बोलो आर यू रेडी रेडी मैं मैं तो कब से हूं? और मैं तो कब कब से से हूं हूं ओ तैयार यस गाइस चलो आ जाओ फटाफट और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं और देखना कितना मजा आएगा बीच में मैं आपके चैट भी पढ़ूंगा लेकिन एक बार के लिए आप मेरे साथ पढ़ लो सर देखो अगर हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं अगर हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं तो आपको पता होगा कि जो टैक्स होता है वो लगता है एक तो सी और एक टैक्स का नाम होता है जी ठीक है और अगर हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं लेकिन वो दो यूटी के बीच में सॉरी सो, सेम यूटी के बीच में हो अगर मान लो इंट्रा स्टेट सप्लाई ही है इंट्रा स्टेट सप्लाई ही है लेकिन वो विद इन सेम यूटी वाली है बोलते हैं हम उसको भी वही है इंट्रा स्टेट ही बोलते हैं लेकिन यूटी वाली है तो जो टैक्स के नाम होते हैं ना वो होते हैं सी जी एस टी सी और साथ में होता है यू टी सर हाँ जी हमें ये वाली बात पता है क्या आप जानते हैं सरकार कोई भी टैक्स तब तक नहीं ले सकती जब तक वो एक्ट ना बनाए हाँ सर हमें मालूम है आपने बताया था ये बात कि कोई भी सरकार तब तक टैक्स नहीं ले सकती जब तक वो एक्ट ना बनाए तो मैं आपको बताऊं इसका मतलब सरकार को एक तो बनाना पड़ेगा सी एक्ट हाँ जी बिल्कुल बनाना पड़ेगा ये कौन बनाएगा ये पार्लियामेंट बनाएगी और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और एक सरकार को बनाना पड़ेगा एस जी एस टी एक्ट बिल्कुल सही बात है ये कौन बनाएगा ये स्टेट बनाएगी सर इंडिया में 31 स्टेट है तो ये 31 की स्टेट जो है ना वो अपना अपना बनाएंगी यानी कि 31 एक्ट बनेंगे इसके अंदर और सी जी एस टी एक्ट जो है ना वो सिंगल एक्टिव बन जाएगा बिकॉज ये सेंटर ने कंट्रोल करना है एक बनेगा यूटी जी एस टी एक्ट सर हालांकि आप जानते हैं यू टी जी एस टी जो है ना वो इंडिया में पांच है यू टी जो है वो पांच है लेकिन इसके लिए एक सिंगल एक्ट बनता है क्योंकि यूटी कोई स्टेट को कंट्रोल नहीं करती या कोई अलग से सरकार कंट्रोल नहीं करती एक्चुअली उसे सेंटर ही कंट्रोल करती है ठीक है ना तो यूटी का लॉ जो होता है ना वो पार्लियामेंट ही बनाती है नाम यूटी जीएसटी है लेकिन पार्लियामेंट ही बनाती है और सेंटर ही कंट्रोल करती है तो देखो अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई करनी है ध्यान सुना बेटा अगर स्टेट सप्लाई करनी है अगर स्टेट सप्लाई करनी है तो आपको एक तो सी एक्ट चाहिए इकतीस एस एक्ट चाहिए यू टी जी एस टी एक्ट भी चाहिए सर अगर आपको इंटर स्टेट सप्लाई करनी है मान लो एक ही स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में तो आपको एक सिंगल एक्ट चाहिए आई जी एस टी क्योंकि जब आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो एक्ट जो लगता है वो आई जी एस टी एक्ट होता है सर आई जी एस टी एक्ट तो एक आपको आई जी एस टी एक्ट चाहिए ये सिंगल एक्ट होता है बिकॉज पार्लियामेंट लॉ लॉ बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट आई जी एस टी कलेक्ट करती है ठीक है ना तो अपने को बेसिकली कौन कौन से चाहिए सी जी एस टी एक्ट चाहिए एक सिंगल एक्ट चाहिए सेंटर बना देगी पार्लियामेंट बनाएगी लॉ और सेंटर लगाएगी और स जीएसटी एक्ट चाहिए इंडिया में 31 स्टेट्स हैं तो 31 एक्ट चाहिए उसके अंदर यूटी जीएसटी एक्ट एक एक्ट चल जाएगा सिंगल सेंटर बनाएगी पार्लियामेंट बनाएगी सेंटर लगाएगी आईजीएसटी एक्ट एक चल जाएगा सर एक होता है जीएसटी कंपनसेशन एक्ट हालांकि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया भी था जीएसटी कंपनसेशन एक्ट जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट बोलते हैं ये पता क्या होता है <coughs> कुछ महंगी गुड्स हैं लग्जरी आइटम्स और कुछ सिन गुड्स हैं सिन सिन मतलब पापी पापी गुड़िया नहीं पापी गुड्स जैसे कि टबैको सिगरेट वगैरह इनके ऊपर ना सरकार जो जीएसटी लगाती है वो तो लगाती लगाती है साथ में जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगाती है इसके लिए भी एक जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट बनाना पड़ेगा कोई भी टैक्स लगाने से पहले ना कोई भी टैक्स लगाने से पहले ना हमें एक्ट बनाना पड़ता है कोई भी टैक्स लगाने से पहले ना हमें एक्ट बनाना पड़ता है तो देखो सर ये हो गया आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी का मतलब एक हमें सीजीएसटी एक्ट बनाना पड़ेगा इकतीस हमें एसजीएसटी एक्ट बनाना पड़ेगा और एक हमें आईजीएसटी बनाना पड़ेगा एक यूटी और एक जीएसटी कंपनसेशन टोटल बोले तो इकतीस एक बत्तीस तैतीस चौतीस पैंतीस ओ मेरे भाई पैंतीस एक्ट हो गए कौन कह रहा था वन नेशन वन टैक्स यहां तो पैंतीस एक्ट हो गए तो बट एक्ट्स बनते हैं इसके अंदर तब जाकर जीएसटी की बात बन पाती है तब जाकर जीएसटी की बात बन पाती है ये थर्टी फाइव एक्ट बनते हैं आई होप दिस वन इज क्लियर कौन सा एक्ट क्यों बना आपको पता लग चुका है क्योंकि अगर टैक्स लगाना है तो एक्ट बनाना ही पड़ेगा सर आपको बताऊ <coughs> हमारे सिलेबस में ना सी जी एस टी एक्ट है हम लोगों को ना सी जी एस टी एक्ट पढ़ना है हमें एस जी एस टी एक्ट पढ़ना ही नहीं है हमें एस जी एस टी एक्ट नहीं पढ़ना कोई बच्चा कहता है सर क्यों नहीं पढ़ेंगे हम एस जी एस टी एक्ट भाई सिलेबस में नहीं है मैं क्यों पढ़ाऊँ अच्छा सर फिर काम चल जाएगा हाँ काम चल जाएगा पता क्यों सर देखो आप बताओ अगर हम कोई आप मार्केट में से सामान खरीदने आते हो तो जो बिल होता है अगर उस पर सी जी एस टी एस जी एस टी लगा होता है आप बताना सर बताना मुझे दोनों अलग अलग अमाउंट आते हैं सेम होते हैं नॉर्मली नॉर्मली जो अमाउंट आते हैं वो दोनों में अलग अलग आता है सेम आता है सर नॉर्मली क्या हमेशा ही जितना अमाउंट सी जी एस टी होता है उतना ही एस जी एस टी आता है एक बताओ, इसका मतलब सरकार जो टैक्स लेती है जनता से सी जी एस टी और एस जी एस टी नाम का वो दोनों सेम लेती है ना हाँ इसका मतलब एक्ट की प्रोविजन भी लगभग सेम ही होंगी तभी एक्ट का अमाउंट सेम आ रहा है हाँ सर बिल्कुल सही बात है तो भाई जो सी जी एस टी एक्ट ना वही तो एस जी एस टी है सब स्टेट ने सेम कॉपी पेस्ट किया है बस उन्होंने सी जी एस टी काट के वहां पर एस जी एस टी लिख लिया है बाकी सारा भाई साहब बिल्कुल वही का वही टैक्स है तो आपको एस जी एस टी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको सिर्फ सी जी एस टी पढ़ना है एस जी एस टी तो अपने आप पढ़ा गया अपने आप पढ़ा गया और दूसरा क्वेश्चन अगर मैं एस जी एस टी पढ़ाता भी तो मेरा क्वेश्चन आता मैं कौन सा एस जी एस टी पढ़ाऊं भाई पंजाब का अलग एस जी एस टी है, है हरियाणा का अलग है हिमाचल का अलग है तो भाई यह भी क्वेश्चन आता तो इसलिए हमारे सिलेबस में सिर्फ सी जी एस टी एक्ट दो हजार सत्रह है ठीक है एक होता है आई जी एस टी यानी कि जब हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में सप्लाई करते हैं सर उसको कहते हैं आई जी एस टी एक्ट मेरे मेरी बात बड़े ध्यान सुनना उसको कहते हैं आईजीएसटी एक्ट सर एक बात बताओ मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा सर आईजीएसटी है तो क्या हुआ देखो अगर सेम स्टेट में सप्लाई हुआ है दिल्ली से दिल्ली से में सप्लाई हुआ है सी जी एस टी लगेगा एस जीएसटी लगेगा अगर दिल्ली से पंजाब में सप्लाई हुआ तो लोग कहते हैं आई जीएसटी क्या फर्क पड़ जाएगा क्या फर्क पड़ जाएगा अरे सेल तो वही है ना अरे रेफ्रिजरेटर बेचा गया है कस्टमर दिल्ली वाले को बेच दिया तो सी जी एस टी एस जीएसटी और पंजाब वाले को दिल्ली वाले ने बेचा तो आई जीएसटी लग जाएगा यार मुझे लग रहा है कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा प्रोविजन लगभग सेम होंगी भाई नाम ही चेंज हुआ है क्योंकि चीज़ तो वही है ना कंसेप्ट तो वही है ना रेफ्रिजरेटर बेचा गया दिल्ली से दिल्ली में बेचोगे तो क्या होगा दिल्ली से पंजाब में बेचोगे तो क्या हो जाएगा तो भाई साहब मैं बताऊँ आई जी एस टी एक्ट भी ना लगभग सी जी एस टी एक्ट जैसा ही है थोड़ा बहुत डिफरेंस है मैं मानता हूं वो सब हम पढ़ेंगे हालांकि ये आपके सिलेबस में पूरी तरह नहीं है इसमें एक टॉपिक है प्लेस ऑफ सप्लाई पीओ एस बोलते हैं उसको वो हमारे सिलेबस में है तो वो हम पढ़ेंगे आई जी एस टी एक्ट के अंदर यूटी जी एस टी जीएसटी कंपनेशन से सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है तो आज हमें स्टार्ट करना है सी जी एस टी एक्ट यस गाइज एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है इस चैप्टर का नाम है सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवनटीन जो मैं मैंने इस चैप्टर का नाम रखा है लेवियन कलेक्शन बट एक्चुअल में इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सीजीएसटी एक्ट एक्चुअली मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इंट्रोडक्शन टू सीजीएसटी आज मैं एक नया एक्ट शुरू करने जा रहा हूं यानी कि जीएसटी की इंट्रोडक्शन मैंने पूरी खत्म कर दी है मैं पहला एक्ट पढ़ने जा रहा हूं सीजीएसटी एक्ट दो थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा मैं आपको सीजीएसटी एक्ट दो जो है ना इसमें वन सेक्शन है ट्वेंटी वन चैप्टर्स हैं ट्वेंटी वन चैप्टर का मतलब वैसे नहीं जो हमारी किताबों में चैप्टर होते हैं एक्ट अपने चैप्टर डिवाइड करता है एक्ट जो होता है ना एक्ट उसमें खुद के चैप्टर डिवाइड होते हैं वो ट्वेंटी वन है तीन स्केडूल भी है ये स्केडूल कब काम आएंगे चैप्टर कौन कौन से हैं सब पढ़ेंगे सर सब पढ़ेंगे एक एक चीज पढ़ेंगे तो मैं आपके साथ सी एक्ट शुरू करने जा रहा हूं जिसके वन सेक्शन हैं ट्वेंटी वन चैप्टर है एंड थ्री स्केड्यूल है ठीक है ना बाकी मैं अभी बात नहीं करूंगा आई जीएसटी की यूटी जीएसटी की ये मैं जब वहां पहुंचूंगा तब बताऊंगा आपको इंट्रोडक्शन टू सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवनटीन तो यस गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन अच्छा एक बात आऊं थोड़ा सा थोड़ा सा बताऊं थोड़ा सा क्योंकि देखो जितना मैं चाहता हूं जितना मेरा स्टूडेंट डीपली समझ पाएगा ना देखो आज की क्लास है आज खत्म हो जानी है आज प्राइवेट हो जानी है आज ही आपको याद भी हो जानी है तो कोई झंझट नहीं कोई दिमाग में जोर नहीं लगाना आराम से बैठ जाओ अगर मेरी बात मानते हो ना अगर अगर मुझे बड़ा भाई मानते हो अगर मुझे बड़ा भाई मानते ना तो भाई आलथी पालथी मार के बैठ जाओ वो मतलब चौंकड़ी मार के या मतलब वो जो पैर पे पैर टिका के कैसे बैठते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग हमारे यहाँ तो आलथी पालथी बोलते हैं कोई चौंक पता नहीं क्या बोलते हैं ऐसे बैठ जाओ आराम से सामने अपनी बुक रख लो मोबाइल में क्लास देखो लैपटॉप में देखो रिलैक्स हो जाओ बोलो भाई साढ़े नौ में घर वालों को बोलो पॉपकॉर्न पेप्सी बर्गर जो मंगाना है यही मंगा दो आज हमारी क्लास है अमित सर ने बोला मैं आराम से कराऊंगा जल्दबाजी में नहीं कराऊंगा और पूरा करा के भेजूंगा ये मेरा वादा है ये मेरा वादा है आज ही क्लास खत्म करने के बाद आपको माइंड में रिलैक्स मिलेगा कि भाई सेवन टू तो टेन मार्क्स तो आ जाएंगे इस वाले में सेवन टू टेन मार्क्स तो आ जाएंगे ये मेरा वादा रहा ये मेरा वादा रहा ठीक है देखो यार टीम लिख रही है कि कितनी गलत बात है नब्बे पचारवे लोग देख रहे हैं सिर्फ फोर्टी फिफ्टी फोर लाइक है यार ऐसे मत करो यार लाइक तो कर दो कम कम से कम लाइक तो कर दो भाई लाइक कर दो लाइक कर दो ऐसे मत करो यार लाइक कर दो प्लीज़ चलो 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 <clears throat> पॉपकॉर्न बनवा लेता हूँ निशांत तो यहीं लिया पॉपकॉन निशांत तो मेरे घर के पास में रहता है निशांत तो यहीं लिया पॉपकॉर्न पैप्सी यहीं बैठ के पीते हैं साथ में खाते हैं आराम से

उस जमाने में मैं बताऊं 2017 हजार सत्रह में अरुण जेटली जी अब तो नहीं रहे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे ही वाज द फर्स्ट चेयर पर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल वो जीएसटी काउंसिल के पहले चेयर पर्सन थे ठीक है तो वो थे और बाकी हर स्टेट का मेंबर था और एक मीटिंग हुई थी और उसमें लिखा गया था कि जीएसटी बिल बना दिया हमने सी बिल बना दिया अब क्योंकि देखो स्टेट सप्लाई होगी कल को तो सी टैक्स लगेगा और एस लगेगा तो सेंटर ने ना अपनी तरफ से मतलब पार्लियामेंट ने सी बिल अप्रूव कर दिया काउंसिल ने सी बिल बना दिया और बोला ये पार्लियामेंट में भेजो पास कराओ और सी जी एस टी एक्ट बना दो तो भाई चार मार्च को बिल अप्रूव हो गया काउंसिल में और आप देखो सत्ताईस मार्च को ये बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया कमाल की बात है उनतीस मार्च को ये बिल लोकसभा ने पास कर दिया छह अप्रैल को राज्यसभा ने पास कर दिया और 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 बारह अप्रैल को बारह अप्रैल को मेरे दोस्त बारह अप्रैल दो हजार सत्रह को इस बिल को प्रेजिडेंट ने असेंट दे दी और बारह अप्रैल को हमारा सी जी एस टी एक्ट बन के तैयार हो गया था दो हजार सत्रह यस सर जीएसटी लगने को बिल्कुल तैयार था सी जी एस टी एक्ट बन गया था दो हजार सत्रह बारह अप्रैल दो हजार सत्रह का वो दिन जब लोगों ने खुशियां मनाई कि जीएसटी आ गया लेकिन आया नहीं था जीएसटी बन गया था लगने को तैयार था लेकिन हमारे सरकारों ने बोला कि इसे लगाएंगे एक जुलाई से बना के रख लिया बना के रख लिया बना के रख लिया लगाएंगे एक जुलाई 2017 से एक जुलाई 2017 के दिन का इंतजार किया गया एक जुलाई 2017 के दिन का इंतजार किया गया सुनो मेरी बात तीस जून की रात थी क्योंकि अगला दिन एक जुलाई था तीस जून की वो रात मुझे आज भी याद है क्योंकि ऐसा कुछ खास नहीं होता जीएसटी आया था ऐसे मतलब मजे ले रहे हो तो तीस तीस जून की रात वो मुझे आज भी याद है और मैं घर पे बैठा था मैं बड़ी टेंशन में था मैंने कहा यार कल ना जीएसटी शुरू हो जाएगा आज रात को बारह बजे से जीएसटी लग जाएगा तो मेरे जो घर पे लोग थे वो ले क्या करना है मैं क्या यार हमारे दिल्ली में ना मतलब दिल्ली से बाहर निकलो तीस चालीस किलोमीटर तो वहाँ पर वो है मुरथल नाम से एक एरिया है जहाँ परांठे मिलते हैं रात को पूरी रात मिलते हैं बड़े मस्त वाले सुखदेव ढाबा है वहाँ पे और भी कई ढाबे हैं बड़े मस्त परांठे मिलते हैं तो मैंने कहा यार खाने चलते हैं बोले कल जी आ रहा है सारी दुनिया सेमिनार की तैयारी कर रही है तेरा भी सेमिनार है दो, दो जुलाई को और तू जी की जगह पराठे खाने मैं कहने यार आज पराठे खाने चलेंगे आज रात के बारह बजे पराठे खाने हैं तो भाई रात के नौ साढ़े बजे से हम लोग निकल गए हम लोग पहुँच गए ढाबे पे मैंने उस ढाबे वाले को एक बात बोल दी मैंने कहा देख भाई पराठे लगाने शुरू कर दे सारी सेटिंग वेटिंग कर ले लेकिन बिल एग्जैक्ट बारह बजे निकल जाना चाहिए अभी सुन ले सात सौ का बिल निकाल दे आठ सौ का निकाल दे हजार का निकाल दे बाकी कैश में डील कर लेंगे लेकिन जीएसटी का पहला बिल मेरा होना चाहिए जीएसटी का पहला बिल मेरा होना चाहिए क्योंकि एक जुलाई हो जाएगी बारह बजे और जीएसटी लग जाएगा तेरे कंप्यूटर में जैसे बिल निकलेगा उसमें जीएसटी लगा हुआ आएगा सबसे पहला बिल मेरे को देखना है मेरी तमन्ना है बोला भाई साहब चिंता मत करो लेकिन उस कंजर ने ना बारह बज के मतलब पूरे बारह बजे एग्जैक्टली exactly, तीन चार सेकेंड जरूर लेट हुए हैं एक्स्ट्रा बारह बज के एक मिनट नहीं हुआ एग्जैक्ट बारह बजे उसने बिल निकाल दिया सर और उस बिल के ऊपर सी जी एस टी और एस जी एस टी लगा हुआ था मैं कह रहा हूँ सर मज़ा आ गया सर दिल खुश हो गया मेरा वो बिल देख के कि हमने सरकार को पहले जी एस टी दिया है सबसे पहले और शायद हमसे पहले कुछ लोगों ने और ने भी दिया होगा मैं भी आस पास लेकिन हम बहुत नजदीक में थे और जब मैंने दो जुलाई को एक बड़े लेवल पर सेमिनार लिया था मुझे आज भी याद है वो फेस टू फेस सेमिनार था मेरे यूट्यूब पर इसी चैनल पर जो सबसे ओल्डेस्ट वीडियो है वो दो हज़ार सत्रह की मिलेगी मतलब उससे भी पुरानी है लेकिन एक वीडियो दो हज़ार सत्रह की है वो वीडियो मिलेगी आपको उसमें भाई मैंने कम से कम पाँच सात सौ बच्चा बैठा था और हम लोगों ने जीएसटी के ऊपर सेमिनार दिया था और उसमें मैंने वो बिल दिखाया था कि देखो सबसे पहले जीएसटी एस टी अंबर के ये होती है किसी चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट ये होती है किसी चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट होना तो भाई एक्साइटमेंट थी जीएसटी का हिंदुस्तान में नई चीज़ आ रही थी बिल कटवा के आए थे अपना कटवा के मतलब बिल कटवा के आए थे ठीक है तो एक जुलाई दो मैं कहूँ तीस जून दो की रात की बात है हिंदुस्तान में दूसरी बार ऐसा हुआ था जब आधी रात को संसद खोला गया आधी रात को संसद खोला गया जब जब प्रेसिडेंट को बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर जी भी वहां थे और रात को एग्जैक्ट बारह बजे हथौड़े से हैमर से वो बटन दबाया गया और जीएसटी पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंप्लीमेंट हो गया एक जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंप्लीमेंट हो गया सर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंप्लीमेंट हो गया प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज आप बताइए प्लीज आपको जीएसटी की स्टोरी थोड़ी सी क्लियर हुई है नहीं हुई बारह अप्रैल 2017 को जीएसटी बन के तैयार था हाय हाय कोई पूछे ना जीएसटी तैयार कब हो गया था तैयार तो बारह अप्रैल को हो गया था बन के तैयार था दुल्हन तैयार थी लेकिन दूल्हे राजा कब लेने आ रहे हैं वो कह रहे लेके तो तेरे तो को एक जुलाई को जाएंगे जुलाई को पूरे देश के अंदर इंप्लीमेंट हो गया मैं आपको दिखाता हूं सर स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी आप देख चुके हैं सीजीएसटी में सेक्शन 174 है चैप्टर 21 है स्केड्यूल स्केड है हम करेंगे बातें सेक्शन वन पढ़ने जा रहा हूं सबसे पहले सेक्शन वन सेक्शन वन कहता है शो टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट सर याद रखना कोई भी एक्ट का सेक्शन उठा लो वो तीन बातें कहता है इसका नाम क्या है टाइटल क्या है टाइटल मतलब फिल्म का नाम क्या है भाई इस एक्ट को किस नाम से बुलाए वो कौन सा गाना था आ, क्या, नाम क्या नाम दू इस प्यार को मैं क्या नाम दू इस प्यार को मैं क्या नाम दू वो होता टाइटल तो वो बोल रहे थे जो ये टैक्स आपने लगाया है इसका जो एक्ट बनाया है आपने उसका क्या नाम दू हमने कहा दिस एक्ट में बी कॉल्ड सी जी एस टी एक्ट दिस एक्ट में भी कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट बोले ठीक है नंबर एक्सटेंट ये कहां तक फैला हुआ है बड़े ध्यान सुनना ये कहां तक फैला हुआ है सर बारह अप्रैल दो को जब ये लॉ बना था अब ध्यान सुनना तब ये फैला हुआ था होल ऑफ इंडिया लेकिन एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं नहीं लगता लगता था था सर वो उस टाइम लेकिन फिर फिर क्या हुआ फिर एक जुलाई को पूरे भारत में इंप्लीमेंट हो गया तब भी जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं था लिखा हुआ था लॉ में एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकिन आठ जुलाई वाले दिन जम्मू एंड कश्मीर ने अपना एस एक्ट पास कर लिया अपना खुद का एस एक्ट पास कर लिया और सर

शन वो उन्होंने एक जुलाई को ही एप्लीकेबल किया था तो एक जून बाईस जून को उन्होंने सेक्शन कर दिया था। नाउ जीएसटी इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो तो आज तो हम यही बोलेंगे दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया सर 8 जुलाई 2017 को ये पूरे जे एंड के ने भी इशू कर दिया था एस जी एस टी एक्ट तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था ये मैंने आपको सेक्शन ये मैंने आपको करवा दिया सर सेक्शन सेक्शन वन इसके बाद ना सेक्शन टू है सुनो सुनो इसके बाद ना सेक्शन टू है वो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं सेक्शन टू में क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन और कौन सी डेफिनेशन पूरे जीएसटी की डेफिनेशन ओ माई गोड सर ऐसे कितनी है वन वन सेक्शन टू क्लोज वन ट्वेंटी वन सर सेक्शन टू क्लोज वन से लेकर सेक्शन टू क्लोज वन ट्वेंटी वन डेफिनेशन है सर एक बात बताओ डेफिनेशन क्या होती है डेफिनेशन एक ऐसी चीज होती है कि आप फ्यूचर में कोई चैप्टर पढ़ेंगे और कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी ना उसको डिफाइन डेफिनेशन में किया हुआ है ये एक बात बताओ मान लो फ्यूचर में हम दसवा चैप्टर पढ़ेंगे टेंथ चैप्टर पढ़ेंगे उसकी कोई टर्म है उसको मैं आज कैसे बता दूं उसको मैं आज कैसे डिफाइन कर दूं तो एक काम कर लेते हैं हम चैप्टर डेफिनेशन को छोड़ देते हैं आगे पढ़ना शुरू करते हैं जब जब डेफिनेशन की नीड पड़ेगी जब जब कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएगी हम सेक्शन टू में आया करेंगे और डेफिनेशन देख लिया करेंगे गाइज आई होप इट इज क्लियर आई होप इट इज क्लियर आई होप इट इज क्लियर भाई मेरे हिसाब से समय में आगे, आगे आ गया आप सब लोगों को मैं आगे बढ़ता हूं चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सेक्शन नाइन इस चैप्टर में एक ही सेक्शन इंपॉर्टेंट

<sans> लेकिन तब तक ले बता दू थोड़ा लेवी कलेक्शन क्या होता है सुनो लेवी का मतलब होता है इंपोज थोपना लगाना लगाना और कलेक्शन का मतलब होता है वसूलना वसूलना मेरी बात सुनो लेवी इन जनरली इमीजिएटली होता है नॉर्मली 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 कभी कभी लेट भी हो सकता है लेवी इन जनरली इमीजिएट होता है लेकिन कलेक्शन में भी पोस्टपोन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस सर जी आप बस में चढ़ते हैं मैं दिल्ली में डीटीसी बस है मान लीजिए मैं दिल्ली की डी बस में एंटर करता हूँ जैसे ही मैं बस में एंटर करूंगा टिकट इज लेविड अपॉन मी मेरे ऊपर टिकट लग जाएगी सर मैं फेस टू फेस क्लासेस पढ़ाता हूँ और बड़े सारे बच्चे पढ़ते हैं क्लास के अंदर बड़ा मज़ा आता है हम लोगों को फेस टू फेस के अंदर हम बड़े मजे लेते हैं सब एक दूसरे के साथ ऑनलाइन में भी बड़े मजे आते हैं ऐसी बात नहीं है तो अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो जो बच्चा क्लास में जैसे ही एंटर करता है फीस इज लेवी ऑन हिम कलेक्शन में भी पोस्टपोन पोन टू टू थ्री डेज कलेक्शन हो सकता है हम दो तीन दिन बाद करें क, बस में आप एंटर करते हो कलेक्शन होने में उसका पांच सात मिनट लग जाए आप कंडक्टर तक पहुंचोगे वो आपको टिकट देगा तो कलेक्शन में टाइम लग सकता है <coughs> लेकिन लेवी इमीजिएटली होता है लेवी इन जर्नली इमीजिएटली होता है आई होप इट इज क्लियर पोस्टपोन पोन जर्नली ड्यू टू तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ही होता है नंबर टू अगर लेवी लगेगा तो कलेक्शन हो भी सकती है और कलेक्शन नहीं भी हो सकती भाई देखो कोई बच्चा मेरी क्लास में एंटर हुआ उसने बोला सर जी मेरे को आपसे जीएसटी पढ़ना है मैंने कहा बेटा आ जाओ बैठो जीएसटी बढ़ाते हैं हम आप बैठो बैठो तो वो बैठ गया सर फीस कितनी है मैंने कहा बेटा फीस तो पाँच हज़ार रुपये जीएसटी जीएसटी की बोला कोई दिक्कत नहीं सर आप पढ़ाइए मैं पढ़ा जाता हूँ लेकिन मेरी एक समस्या है मुझे अलग से मिला वो मैंने क्या समस्या कह रहा सर मैं अलग बताना चाहता हूँ सबके सामने नहीं बताऊँगा मैंने कोई बात नहीं बेटा बता दे अलग आ जा अलग आ जा कोई बात नहीं तो ही ही सेड कि सर मैं ना मैं, मैं मैं चाहता हूं कि सर आप ना मेरी फीस माफ कर दो मैं क्या हुआ उसने मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम बनाई बताई जो मुझे बिल्कुल जेनुअन लगी और मैंने कहा बेटा तेरी फीस माफ है फीस लेवी तो हुई है बट कलेक्ट नहीं होगी क्यों मैंने एग्जिम्ट कर दी मैंने एग्जिम्ट कर दी तो आपके ऊपर जीएसटी लेवी है तो कलेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती अगर सरकार माफ कर देगी तो लेवी है होगी बट कलेक्शन नहीं होगी लेकिन अगर सरकार माफ नहीं करेगी तो कलेक्शन हो जाएगी तो लेवी होने पर कलेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती एक होता है लेवी नहीं है मान लो लेवी नहीं है तो कलेक्शन का सवाल ही नहीं उठता अब मान लीजिए मैं जीएसटी का लेक्चरर हूं भाई मैं तो जीएसटी पढ़ाता हूं इनकम टैक्स पढ़ाता हूं जीएसटी पढ़ा रहा हूं एक बच्चा मेरी क्लास खत्म हुई और यार आज मैं बताऊं आज की बात है मेरे फेस टू फेस वाले स्टूडेंट क्लास में शायद बैठे होंगे इस टाइम यहाँ पर मैं बता दूँ आज मेरी क्लास सुबह दस बजे की थी और शाम को तीन बजे तक क्लास चली है ब्रेक भी हुई है थोड़ा बहुत मस्ती भी हुई है ठीक है तीन बजे तक मतलब हमने क्लास ली है मोटा मोटा तीन बजे तक हमने क्लास ली है दस से तीन तो तीन बजे जब मैं क्लास से बाहर निकला आप सोच सकते हो यार इतना लंबा पढ़ाना मतलब स्ट्रेसफुल तो रहता ही है बच्चों के लिए मुझे तो मज़ा आया खेर खैर एनी मैं क्लास पढ़ा के बाहर निकला और मैं थोड़ी दूर गया एक लड़का आ रहा है बैग टांगा हुआ उसने और उसके मतलब उसके बैग पे कोई साइंस का स्टूडेंट लग रहा था मुझे मुझे बोला मैंने बोला बेटा इधर बोला यस सर नहीं यस सर भी नहीं बोला बोला हाँ जी मैं बेटा देखो मैं हूँ जीएसटी का लेक्चरर बोला यस सर बताइए मैं कह तेरी फीस माफ़ है जीएसटी की बोला सर लेकिन मैं जी पढ़ता नहीं मैं मतलब, मैं ही नहीं आपसे मैं इनफैक्ट सी मतलब मैं इनफैक्ट कॉमर्स में नहीं हूँ मैं कहा लेकिन फिर भी तेरी फीस माफ़ है कह रहे सर देखो मैंने वो पहले कहा था इतनी इतनी लंबी क्लासें लेने का यही हाल होता है बहकी बहकी बातें शुरू हो जाती है कैसी बातें कर रहे जब मैं जीएसटी की क्लास में ही नहीं आता तो माफ का क्वेश्चन कहां से आया तो मैंने कहा मैं कौन सा से पैसे पैसे मांग रहा रहा हूं हूं माफ ही कर रहा हूं ना मैंने पैसे ले लिए क्या बोला जब ले सकते ही नहीं तो माफ वाली बात कहां से आ गई हद हो गई यार ये तो बहस करने वाली बात हो गई कह रहा सर जब मेरे ऊपर फीस लेवी ही नहीं है तो कलेक्शन की बात कहां से आ जाएगी तो यस गायस अगर क्वेश्चन में आपके ऊपर लेवी है ही नहीं तो कलेक्शन होगा या नहीं होगा क्वेश्चन ही नहीं है कलेक्शन हो ही नहीं सकता हाँ, अगर आपके ऊपर लेवी है आपके ऊपर लगती है तो कलेक्शन हो भी सकती है और कलेक्शन नहीं भी हो सकती yes, guys, पहले मैंने आपको लेवी और है एक बार लिख के बताओ यार यहां तक क्लियर हो गया नहीं हो गया स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी बता दिया मैंने आपको सेक्शन <coughs> वन बता दिया सेक्शन टू का इंट्रो कर दिया और सेक्शन नाइन का लेवी कलेक्शन का मीनिंग बता दिया बस इतना है या नहीं है <laughs> ये निशांत कह रहे हैं हाँ याद है मैंने उसको थप्पड़ मारा था कि माफ है तो माफ है आई लव दिस यार जब लोग आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं ना मजा आता है मैं बुरा नहीं मानता मुझे अच्छा लगता है मतलब बच्चा इंटरेस्ट लेता है मजा आ रहा है बच्चे को <laughs> 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सैम ठाकुर शिवम कन्ोजिया अरुण कुमार किरण जांगीर अमरजीत भगत हनुमान जी के रिदमेटिक गाय तमल झा निलंजन चौधरी दमनदीप सिंह दिव्या शर्मा सिन्हा प्रियंका शर्मा सी एम ए कृति कुमारी अचिंत्या दत्त कौशिक बहुत बढ़िया अचिंत्या शुभम कुमार प्रवीण आदित्य साक्षी तोमर बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फ़ैनटेस्टिक फैनटेस्टिक यार वो वीडियो लाइक कर दो यार अभी भी मतलब तुम लोग लाइव देखने वाले ज़्यादा हो और मतलब लाइक कम है मैं समझ सकता हूँ क्या है मोहब्बत तो करते हो दूर दूर से देख के भी जाते हो पर बताते नहीं हो जताते नहीं हो मोहब्बत जताते नहीं हो कोई बात नहीं ये भी एक मोहब्बत का असूल होता है ये भी बड़ी बेहतरीन मोहब्बत होती है जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं उसे बताते नहीं है कि मोहब्बत करते हैं तुमसे इस मोहब्बत के तो कहने ही क्या होते हैं भाई साहब इस मोहब्बत के तो कहने ही क्या है सर आप पढ़ाएंगे तो क्लियर हो ही जाएगा अमीशा ऐट द रेट ऑफ यू कह रही है क्लियर सर जी अच्छा जी क्लियर हो गया आपको बहुत बढ़िया यू जी पर्वत बैंक अन अचारी एक कोशिश दिल से स्नेहा शाह चंदा झा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तमल झा हाँ जी हाँ जी हाँ जी चलिए सर चलिए चलिए लाइक करते हो तो लाइक करके दिखाओ हाँ सही बात है यार मतलब बैठे हो इतने जने कर दिया करो लाइक यार क्या फ़र्क पड़ता है सर सी एम अर्जुन आर्जुन ने आपकी क्लासेस सजेस्ट की है वो आपकी स्टूडेंट है ना आकांक्षा बुराड़े भाई बिल्कुल होगी मुझे ऐसे याद नहीं है बट बत... आर्जू जरूर होगी चंदा जा चलिए सर आगे बढ़ता हूँ मैं आगे बढ़ता हूँ गाइस मैं आगे बढ़ता हूँ यस गाइस आई होप यू ऑल आर वेरी हैप्पी मैं शुरू कर रहा हूँ सेक्शन नाइन और अब जो अगला टाइम लगेगा एक एक बच्चा आराम से बैठना प्लीज शांति से और दिल से समझना मैं 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 करवा के जाऊंगा सेक्शन नाइन आपको सबसे बताऊँ मैं सेक्शन नाइन के नाम फाइव सब सेक्शन है नाइन वन नाइन टू नाइन थ्री नाइन फोर नाइन फाइव ठीक है तो सेक्शन नाइन के फाइव सेक्शन है नाइन वन नाइन टू नाइन थ्री नाइन फोर नाइन फाइव सेक्शन नाइन वन जो है ना वो जनरल सेक्शन है सेक्शन नाइन वन जो है ना वो एक जनरल सेक्शन है जो ये बताएगा कि लेवी कब होता है नॉर्मली लेवी कब होता है नॉर्मली लेवी, लेवी कब होता है वो ये बताएगा इसको अंदर से मत पढ़ो मैं आपको बात बताऊंगा क्या होता है ये छोड़ दो आप छोड़ दो फिर नाइन टू आएगा वो ऐसे बताएगा कि पांच स्पेसिफिक आइटम हैं जिनके ऊपर जीएसटी अभी लेवी ही नहीं हुआ पांच ऐसी आइटम हैं जिनके ऊपर अभी जीएसटी लेवी ही नहीं हुआ फ्यूचर में होगा नाइन थ्री और नाइन फोर आएगा ये कोई रिवर्स चार्ज की बात करेगा पता नहीं क्या होता है आज हम सब सीखने वाले हैं सेक्शन नाइन फाइव आएगा जो शायद इको की बात करेगा इको मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करेगा जिसमें इको लाइबल टू पे टैक्स है और ये तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस और मैं बताऊं आपके एग्जाम के लिए इसके अंदर तो अमेंडमेंट भी है मतलब मेरा मानना है इस सेशन में इस नाइन फाइव में से तो क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर के अंदर श्योर शोर पेपर में आने वाला है नाइन फाइव अगर आप देख रहे हो तो गलती से भी हिलना मत बिकॉज नाइन फाइव जब मैं कराऊंगा अगर वो मिस हो गया तो आपकी अमेंडमेंट भी मिस हो जाएगी और अमेंडमेंट गई तो हाथ से जाएगा आपके चैप्टर बता रहा हूँ सात से आठ नंबर हाथ से निकल जाएंगे बता रहा हूँ आपको तो यस गाइस फटाफट लिख के बताओ फटाफट सेक्शन नाइन के सब सेक्शन कितने हैं बोलो बोलो सेक्शन नाइन के सब सेक्शन कितने हैं एक है दो है तीन है चार है या पांच है जल्दी बोलो जल्दी बोलो हाथ में हाथ में कितनी उंगलियां होती है विद अंगूठा हाथ में कितनी उंगलियां होती है विद अंगूठा सर पांच पांडव कितने थे पांच नाइन फाइव के सबसेक्शन कितने हैं पांच नाइन वन नाइन टू नाइन थ्री नाइन फोर नाइन फाइव लो जी सबने बोल दिया पांच होते हैं आगे बढ़ते हैं आगे मैं नाइन वन करवा रहा हूं मैं नाइन वन करा रहा हूं सेक्शन का हेडिंग है लेवी एन कलेक्शन सुनो ध्यान से मैं भाई मैं कह रहा हूं अगर अगर आप मेरे सच्चे स्टूडेंट हो ना अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो जब नाइन वन खत्म होगा ना तो बोलना सर हमें याद भी हो गया जिस जिस बच्चे ने बोल देना सर मुझे याद हो गया मैं सच्ची कह रहा हूं मेरी तरफ से मतलब शाबाशी नाइन वन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन टू देखो पहली लाइन कितनी डेंजरस है वो कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन टू थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूंगा इस सेक्शन को शुरू करने से पहले पांच मिनट मैं पांच मिनट लगाना चाहूंगा बिकॉज उससे लगाए बगैर ना गाड़ी बनेगी नहीं देखो एक वर्ड होता है आपके ना बड़ी बार आएगा क्योंकि आज हम जीएसटी का मैं, पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इससे पहले मेन चैप्टर तो आज शुरू हुआ है एक एक वर्ड आता है नॉट विध स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन टू द कंट्रेरी इन द एक्ट ऐसे कुछ लिखा होता है और एक लिखा होता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन पहले इन दोनों का मतलब समझो Osionfish. पहले इन दोनों का मतलब समझो कि इन दोनों का मतलब क्या है अगर क्वेश्चन में नॉट विद स्टैंडिंग लिखा है तो इसका मतलब क्या है और अगर क्वेश्चन में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन लिखा है तो इसका मतलब क्या है मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो सेक्शन नाइन वन पढ़ने जा रहे हैं पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि नाइन वन में अगर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नाइन टू लिखा है तो इसका मतलब क्या है <nghika> सर देखो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नाइन टू का मतलब है कि जो नाइन टू में लिखा ना वो मेन है मैं कुछ कहने जा रहा हूं सुनो नाइन वन कह रहा है नाइन वन कह रहा है मेरे प्रिय दोस्तों मैं कुछ कहने जा रहा हूं हो सकता है मैं आज आपको जो कहूं मेरी बात आपको सही लगे पर नाइन टू जब बात कहेगा वो कहेगा इसकी बात गलत है मैं कुछ और कह रहा हूं तो आप प्लीज नाइन टू की बात मान लेना मेरी बात मत मानना सुनिए सुनिए सेक्शन नाइन वन देखो कितना प्यारा सेक्शन है वो कह रहा है मैं कुछ कहने जा रहा हूं लेकिन मैं अपने शब्द मैं अपनी मैं अपनी स्टार्टिंग नाइन टू सब्जेक्ट टू द प्रोविजन के साथ स्टार्ट करने वाला हूं और जब मैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन के साथ स्टार्ट करता हूं ना तो मेरा मतलब होता है नाइन टू के लिए मैं सब्जेक्ट टू हूं तो नाइन टू में जो लिखा है वो मेन है मैं बाद में हूं मेरे को लगता है ऐसे शब्द हस्बैंड यूज कर सकता है कि मैं कुछ कहने जा रहा हूं कल को मेरी बीवी ने कुछ कहा तो उसकी मान लेना मेरी रहने दो मेरी रहने दो कोई दिक्कत नहीं है वो सही है वो जो बोलेगी वही ठीक है जैसे 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 मेरे को कई बार मेरे दोस्तों के फोन आते हैं आज रात को चलना पार्टी कर रहे हैं मैंने कहा आई विल कम टू द पार्टी सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ माई वाइफ अगर मेरी वाइफ ने अप्रूवल दी तो तो बोले अगर उसने नहीं दी थी तो मैं नहीं आऊंगा भाई बात खत्म पंगा थोड़ा लूंगा उससे तुम्हारी पार्टी गई बाढ़ में वो मेरी रातें आराम कर देगी मतलब दिन आराम कर देगी ठीक <laughs> है पॉइंट क्लियर हो गया अगर लिखा हो नॉट विद स्टैंडिंग नोट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है जो मैं कह रहा हूं वो मेन है बाकी सब गया बाढ़ में बाकी सब गया बाढ़ में नाइन वन अगर नोट विद स्टैंडिंग से शुरू होता तो नाइन वन कहता और कहीं क्या लिखा हो जाए बाढ़ में जो मैं लिख रहा हूं ना बस वही मेन है बस वही मेन है आइए शुरू करते हैं नाइन में क्या लिखा हुआ है यहां लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन टू इसका मतलब मैं नाइन वन हूं मैं कुछ बताने जा रहा हूं लेकिन नाइन टू में जो लिखा होगा वो मेन है मैं सेकेंडरी हूं ठीक है समझ में आ गया पारे? यहां लिखा देर शेल बी लेविट लगाया जाएगा हाय हाय, देर शेल बी लेविड लगाया जाएगा लगाया जाएगा हमने कहा क्या लगाया जाएगा बोले ए टैक्स एक टैक्स लगाया जाएगा देर शेल बी लेविड देर शेल बी लेविड लगाया जाएगा ए टैक्स एक टैक्स लगाया जाएगा जिसे बोला जाएगा सी जी एस टी एक्ट जिसे बोला जाएगा सीजीएसटी कॉल्ड द सीजीएसटी कोल्ड उसे कहा जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाया जाएगा एक टैक्स लगाया जाएगा जिसे सीजीएसटी कहा जाएगा हमने कहा कब लगाओगे कब लगाओगे बोले ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई सप्लाई जो भी दिल्ली से दिल्ली हरियाणा से हरियाणा पंजाब से पंजाब चंडीगढ़ से चंडीगढ़ इवन भी जो भी स्टेट सप्लाई होगी तब लगाएंगे

गोल्ड किस पे लगाओगे इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑल 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 इंट्रा इंट्रा स्टेट स्टेट अरे मतलब एक छोड़ के सप्लाई चाहे गुड्स की चाहे सर्विस की चाहे बोथ की किसको छोड़कर एक्सेप्ट द द द एक्सेप्ट एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ एल्हलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आगे सुनिए आगे आगे क्या लिखा है हमने कहा ठीक है हमने कहा ठीक है आप लगाओगे वैल्यू क्या लोगे किस वैल्यू पे लगाओगे जीएसटी हमने कहा किस वैल्यू पे लगाओगे बोले ऑन द वैल्यू

वो वैल्यू जो डिटरमाइन की जाएगी अंडर सेक्शन पंद्रह हमने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं सेक्शन पंद्रह भी पढ़ लेंगे फिर जो वैल्यू आएगी निकाल लेंगे हमने कहा रेट क्या लोगे रेट क्या लोगे जीएसटी तो लगाओगे रेट क्या लोगे बोले रेट वही लेंगे रेट वही लेंगे जो नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी बट नॉट मोर देन ट्वेंटी मैक्सिमम रेट सीजीएसटी का ट्वेंटी होगा सीजीएसटी में ट्वेंटी से ऊपर रेट नहीं होगा सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट ट्वेंटी परसेंट होगा ट्वेंटी से ऊपर नहीं होगा सीजीएसटी का रेट ना जी ना ट्वेंटी से ऊपर नहीं होगा लेकिन ये तो मैक्सिमम है ये तो मैक्सिमम है अगर अठारह सरकार ने अठारह हमने कहा ठीक है तुम वैल्यू भी ले लोगे रेट भी लगा दोगे रेट भी लगा दोगे रेट जो है रेट ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल होगा वो तो आपको मालूम ही है काउंसिल की रिकमेंडेशन में सब होता है एंड कलेक्टेड बात सुनिए लेवी को एक्सप्लेन करने में इन कंजरों ने इतना सारा टाइम लगा दिया इतनी सारी लाइनें लगी दी लेवी क्या होता है लगाएंगे कलेक्शन की बात आई कहते मुन्ना तेरे से लेने है ना तो टेंशन मत ले कलेक्शन इन द मैनर एज मे बी वीक्राइब्ड तेरे से कैसे लपेटेंगे वो हम बता देंगे कैसे बताएंगे जब भी वर्ड होता, होता है ना इन द मैनर एज मे बी प्रस्क्राइब इसका मतलब होता है इन द रूल्स हम रूल्स में बताएंगे आपको कि हम आपसे लेंगे कैसे सरकार को लेने की टेंशन नहीं है सरकार कहते है, दो थप्पड़ मार के ले लेंगे कितनी बड़ी बात है तू ये सुन तेरे पर लगेगा कब ये समझ लेते लगेगा कब लगेगा जब तू इंट्रा स्टेट सप्लाई करेगा किसकी गुड सर्विस बोथ की किसको छोड़कर लीकर को छोड़कर तब लगेगा तब लगेगा कौन सी वैल्यू लेंगे सेक्शन पंद्रह वाली रेट कौन सा लेंगे जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा उसके ऊपर लगाएंगे टैक्स जिसे हम क्या बोलेंगे सीजीएसटी और किस कैसे लेंगे कैसे लेंगे तेरे अरे ले लेंगे यार इन द मैनर एज मे इन द मैनर एंड शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन और ये सरकारों को देगा जो टैक्सेबल होगा टैक्सेबल मतलब जो रजिस्टर्ड होगा या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड होगा उससे अरे अरे आप आप स्टूडेंट हो आप स्टूडेंट लोग मान लो आप स्टूडेंट हो एक बच्चे ने क्लास में दस रुपए वाला पेन बेच दिया किसी को भाई जिस स्टूडेंट ने बेचा उसने इंटरेस्ट रेड सप्लाई करी है गुड्स की भी करी है लिकर की नहीं करी है वैल्यू दस रुपए आ गया रेट मान लो उसका अठारह परसेंट है तो क्या वो जीएसटी सरकार को भरेगा ना सर मैं क्यों भरूंगा मैं तो स्टूडेंट हूं मैं कोई रजिस्टर्ड थोड़ी हूं हाँ यही तो लिखा है इट शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन ये कौन पे करेगा टैक्सेबल पर्सन करेगा और टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड या तो बंदा रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है सर मैं समझाऊं सुनो जो सी जी एस टी है ना इसकी शॉर्ट फॉर्म है सी जी एस टी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसको शॉर्ट फॉर्म सी जी एस टी कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई एक सेक्शन आएगा सर इसे बोलते हैं लोकल सेल सेम सेम स्टेट में आपको पता ही है इंटर स्टेट दो स्टेट के बीच में और इंटरेस्ट स्टेट लोकल सेल लोकल सेल गुड्स सॉरी सप्लाई सप्लाई ये रहा सप्लाई जो इंटर स्टेट तो ठीक है सप्लाई जो है ना एक सेक्शन आएगा सेक्शन सेवन सर इसका नेक्स्ट चैप्टर वही है सप्लाई सेक्शन सेवन एक पूरा चैप्टर सप्लाई का मतलब क्या मजेदार कराऊंगा मजा आ जाएगा आपको गुड्स की डेफिनेशन सर सेक्शन टू क्लोज फिफ्टी टू एक सेक्शन है टू क्लोज फिफ्टी टू वहां डिफाइन किया गुड्स क्या होता है

एनालिसिस कर देता हूं नाइन वन का ताकि आपको और याद हो जाए सर सबसे पहले टैक्सेबल इवेंट नाइन वन का मतलब लेवी लेवी कब होगा आप किसी बंदे के ऊपर जीएसटी कब लगाओगे जब वो कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा जो जीएसटी लगने के काबिल होगी वो तो सप्लाई बोलो ना टैक्सेबल इवेंट का मतलब सप्लाई यानी कि एक ऐसी घटना टैक्सेबल इवेंट का मतलब एक ऐसा इवेंट एक ऐसी घटना जिसके घटते ही जीएसटी लग जाएगा अरे तू इधर सप्लाई कर हम तेरे को जीएसटी ठोक देंगे तो मतलब

चार्ट हाँ हाँ यही वाला अब दिखाना नाइन वन सर जर्नल सेक्शन है नॉर्मल सेक्शन है ओल ज, भाई जितना हमने पढ़ा है ना जितना हमने पढ़ा है अगर तुम मेरे चार्ट में से पढ़ लो ना आप बोलोगे सर आपने तो पेपर का काम बनवा दिया इसमें लिखा क्या है ओल इंट्रास्टेट सप्लाई कोई भी बंदा जो मर्जी इंट्रास्टेट सप्लाई करे देखो इस ओल को याद रखना जो बच्चा इस ओल को याद नहीं रखा मैं कह हूं फंस जाएगा ऑल इंट्रेस्टेड सप्लाई चाहे गुड्स की हो सर्विस की हो लीकर को छोड़कर लीकर को छोड़कर क्या लगेगा सीएसटी सीजीएसटी लगेगा सीजीएसटी लगेगा वैल्यू क्या सेक्शन पंद्रह की रेट कौन सा नोटिफाइड बट मैक्सिमम ट्वेंटी परसेंट कलेक्शन कैसे होगी इन द मैनर एज मे प्रस्क्राइब फ्रॉम द टेक्सव पर्सन इन द मैनर एज मे यू प्रस्क्राइब गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करके पूछूंगा प्लीज एक बार बताइए हाँ जी ये सेक्शन नाइन के सारे सेक्शन आपको याद करने हैं नाइन वे सारे सेक्शन याद करने हैं नाइन वाला पूरा आपको याद करना है नाइन वाला, पूरा आपको, करने है। वाला पूरा आपको पूरा याद करना है प्लीज सेक्शन याद करने हैं प्लीज एक बार बताऊँ फटाफट सेक्शन नाइन वन इज क्लियर और नॉट क्लियर प्लीज प्लीज टेल मी मैं चाहूंगा फटाफट लिख के भर दो चैट बॉक्स की नाइन वन क्लियर हुआ या नहीं हुआ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई फटाफट लिख दो भाई क्लियर हो गया नहीं हो गया ओ माई गॉड ओ माई गॉड सब ने लिख दिया है क्लियर 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 वंडरफुल 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 मैं मज़ा आ गया मेरे को मज़ा आ गया मैं सेक्शन नाइन सब सेक्शन टू पे आ गया हूं सर आपने एक बात पढ़ी नाइन वन के अंदर वो कह रहा है ओल इंट्रास्टेट सप्लाई अरे कोई भी इंट्रा लिकर को छोड़ के लिकर को छोड़ के कोई भी इंट्रास्टेट सप्लाई है जीएसटी लगा के रहेंगे लगा के रहेंगे मैंने कहा रुक वे रुक बोले क्या हुआ मैं क्या पांच आइटम ऐसी है जिनकी सप्लाई पर अभी जीएसटी नहीं आया है लेवी भी नहीं हुआ है बोले कौन सी में मैं क्या सुन सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड वो कच्चा तेल नंबर टू हाई स्पीड डीजल नंबर थ्री मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल नंबर फोर नेचुरल गैस एंड नंबर फाइव एविएशन टर्बाइन फ्यूल सर इन पांच आइटम के ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो उस डेट से लगेगा जिस डेट को गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी जिस डेट को गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल उसकी डेट पर लगेगा तो पांच आइटम के ऊपर जो जीएसटी है वो अभी नहीं आया मैं कह लेकिन आपने तो में गलती कर दी आपने तो बोल दिया कि जीएसटी सभी आइटम पे लगेगा अब इन पांच का क्या बोले जब हमने नाइन वन लिखा था ना तो हमने ये लिखा था सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन टू और उसका मतलब यही था कि सबसे टू में जो लिखा है ना वो पहले रहेगा इसका मतलब नाइन टू पे जो है वो सप्लाई नहीं लगेगा लेवी नहीं माना जाएगा तभी तो बोला था सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दोवीजन टू तभी तो बोला था कि वो है जिनके ऊपर दिखाता, <coughs> दिखाता हूं टेबल दिखाता हूं टू फाइव स्पेसिफिक आइटम फाइव स्पेसिफिक आइटम दैट इज पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस

देखो नाइन थ्री और नाइन फोर को शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा एक सेक्शन है नाइन थ्री ठीक है ना एक सेक्शन है नाइन थ्री और एक सेक्शन है अबे सुन लो सेक्शन नाइन फोर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रिवर्स चार्ज बड़े ध्यान सुनना नाइन थ्री का मतलब रिवर्स चार्ज है सर और नाइन फोर का मतलब रिवर्स चार्ज है मैं इसको शुरू करने से पहले कुछ बताना चाहूंगा आपको बिफोर स्टार्टिंग नाइन थ्री एंड नाइन फोर आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग आपको पता है इन जनरल क्या होता है इन जनरल क्या होता है मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो आप आप थिएटर में गए आपने मूवी देखी आपको मूवी दिखाई किसने सर थिएटर वालों ने सप्लायर कौन है सर थिएटर वाले आप कौन हो रेसीपिय जीएसटी आपने दिया अपनी जेब से हाँ थिएटर वालों को दिया सरकार तक किसने पहुंचाया सर थिएटर वालों ने यानी कि सप्लायर ही जीएसटी सरकार को देता है आपने कोचिंग सेंटर में कोचिंग ज्वाइन की आपने फीस के साथ जीएसटी भी दिया फीस किसको दी कोचिंग सेंटर वालों को जीएसटी भी किसको दे दिया कोचिंग उस जीएसटी को सरकार तक किसने बचाया कोचिंग सेंटर वालों ने सप्लायर जीएसटी देता है मैं यह कहना चाहता हूं कि नॉर्मली नॉर्मली जो जीएसटी होता है ना वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने की जो ड्यूटी होती है ना वो इज़ ऑन सप्लायर होती है इज़ ऑन सप्लायर होती है सप्लायर आदमी पहले सर का प्रसिपेंट को माल बेचता है उसे जीएसटी लेता है और सरकार को देता है सर ऐसी बात को कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज ऐसे को कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज नहीं फॉरवर्ड चार्ज लेकिन सरकार सर क्या होता है ना कभी कभी ऐसी सिचुएशंस कभी कभी ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती है कभी कभी ऐसी हालात अराइज हो जाते हैं कि सरकार चाह कर भी ना उस सप्लायर से जीएसटी नहीं मांग सकती या मांगती नहीं है या मांग नहीं सकती कुछ गड़बड़ हो जाती है सर कुछ गड़बड़ हो जाती है मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा मैंने फॉरन कंट्री से फॉरन कंट्री से कुछ सर्विसेज ली है मैंने फ़ॉरन कंट्री से कुछ सर्विसेज ली है मैं पूछूंगा सप्लायर कौन है सर सर फॉरन कंट्री वाला है क्या हमारी सरकार उस फॉरेन कंट्री के सप्लायर से जीएसटी ले पाएगी शायद नहीं ले पाएगी सर शायद नहीं ले पाएगी वो फॉरेन कंट्री अपनी कंट्री से फॉरेन सप्लायर अपने देश में बैठा हुआ मुझे सर्विसेज दे रहा है कैसे पकड़ेगी सरकार उसको ऐसे में सरकार ना सरकार का ना जीएसटी छोड़ने का मन नहीं करता लेकिन सरकार के हाथ में जीएसटी आ भी नहीं रहा क्योंकि सप्लायर सरकार के सर सप्लायर की गर्दन सरकार के हाथ में फंस नहीं रही है और जीएसटी सरकार के पास पहुंच नहीं रहा है लेकिन जीएसटी का लालच

तू देगा जीएसटी तू देगा जीएसटी मैंने कहा मैंने कहा मैं दूंगा बोले हाँ तू देगा तो भाई कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ सरकार सप्लायर से ना लेकर रेसिपियंट से जीएसटी लेती है

ऐसी गुड्स है जिन पर नाइन थ्री का रिवर्स चार्ज लगेगा कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जिन पर नाइन थ्री का सर्विसेज रिवर्स चार्ज लगेगा जहां पर हम जीएसटी सप्लायर से ना लेकर रेसिपिएंट से लेंगे और नाइन फोर में ऐसा कौन सा केस है ऐसा कौन सा नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज है जिनके ऊपर जीएसटी जो है वो आ, रिवर्स चार्ज में लगेगा सर मैं बताऊं नाइन थ्री में जिन गुड्स पर रिवर्स चार्ज लगेगा ना उसके लिए सरकार ने अलग से नोटिफिकेशन इशू किया है नोटिफिकेशन नंबर चार बटे दो हजार सत्रह एक नोटिफिकेशन है चार बटे दो हजार सत्रह उसमें लगभग आठ गुड्स ऐसी लिखी है जिन पर रिवर्स चार्ज लगेगा नोट सर्विसेज सर्विसेज तेरह बटे दो हजार सत्रह नोटिफिकेशन नंबर तेरह बटे दो हजार सत्रह आपको याद नहीं करने बता रहा हूं इसमें इसमें भी बहुत सारी आइटम बीस इक्कीस आइटम ऐसी लिख रखी है जिनकी सर्विस पर रिवर्स चार्ज लगेगा और नोटिफिकेशन नंबर सात बटे दो हजार उन्नीस एक आइटम ऐसी है जिसके अंदर जिसकी सप्लाई पर रिवर्स चार्ज लगेगा यानी कि रेसिपिएंट देगा और सर हमारे सिलेबस में ना रिवर्स चार्ज का नाम का चैप्टर ही अलग बना दिया हमने हमने एक चैप्टर ही अलग बना दिया रिवर्स चार्ज का वहां पर मैंने नाइन थ्री की इन सारी गुड्स का जिक्र किया है एक एक करके समझाया है कि ये रिवर्स चार्ज क्या आइटम है ये रिवर्स चार्ज की है सर्विसेज की आइटम को समझाया है ये रिवर्स चार्ज की है सात बटा दो हजार उन्नीस को समझाया है, ये रिवर्स चार्ज का है तो मैं बोलूंगा गायस नाइन थ्री और नाइन फोर को ना अभी करने की जरूरत नहीं है मतलब नाइन थ्री रिवर्स चार्ज क्या होता है रिवर्स चार्ज का मतलब एक ऐसा टैक्स जो सप्लायर की जगह कौन पे करता है पे करता है लेकिन 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 ऐसा नहीं कि किसी भी गुड्स के ऊपर वो सिर्फ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज सर्विस होता है और नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज में वही आएंगी जिन्हें नोटिफिकेशन नंबर के थ्रू नोटिफाई किया हुआ है तो मैं काम करूंगा नाइन थ्री नाइन फोर को यहां इतना ही बताऊंगा आपको और जब मैं रिवर्स चार्ज के चैप्टर में आऊंगा तो भाई नाइन थ्री नाइन फोर की एक एक आइटम गुड्स की सर्विस की सबको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको रिवर्स चार्ज के अंदर सिंगल सिंगल आइटम मैं आपको रिवर्स एक्सप्लेन uh, कर दूंगा नोटिफिकेशन नंबर के साथ सारे कर दूंगा भाई मैं कह रहा हूं कि अभी रिवर्स चार्ज नहीं करेंगे बिकॉज रिवर्स चार्ज तो चैप्टर अलग बना दिया है पूरे भाई मैं बता दूं एक क्लास लूंगा रिवर्स चार्ज की कम से कम ढाई से तीन घंटे की ढाई से तीन घंटे की शायद ज्यादा भी लग जाए पूरा रिवर्स चार्ज एक्सप्लेन करूंगा और याद करवा के भेजूंगा मेरे रेगुलर स्टूडेंट से पूछ लो सोलह सत्रह मतलब बीस इक्कीस सर्विसेज है उन्होंने सीक्वेंस में याद की थी सीक्वेंस में याद जी टी आएगा एडवोकेट आएगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस आएगी नाम लिखे तो नाम से याद है सर नाम से याद और मैं बता रहा हूं रेगुलर बैच के स्टूडेंट से पूछ लो अभी भी रेगुलर बैच के स्टूडेंट जरूर बैठे हुए कोई ना कोई उनसे पूछो जब रिवर्स चार्ज किया था तो एक एक आइटम को हमने याद किया था एक चार चार बार बोला है बार बोला क्लास के अंदर रटवा दिया उन्हें रिवर्स चार्ज की सारी एंट्रीज तो आपको भी रटवाऊंगा आपको भी रटवाऊंगा मैं गारंटी दे रहा हूँ लेकिन लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज के चैप्टर का लो जी नाइन और नाइन करवा दिया नाइन थ्री में हम इतना ही करेंगे इसके आगे नहीं बढ़ेंगे आप देख लो जो मैंने टेबल बनाया है जो मैंने टेबल बनाया है उस टेबल में मैंने ये लिखा है कि जो नाइन थ्री और नाइन फोर है इसमें रिवर्स चार्ज आएगा नाइन थ्री और नाइन फोर में रिवर्स चार्ज आएगा चार टेबल में भी मैंने ये लिखा है सर टेबल में भी मैंने ये लिखा है अब आ गया नाइन फाइव यस यस येस यस गाइज अब हम शुरू करने वाले हैं आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं सेक्शन नाइन फाइव सेक्शन 95 हम स्टार्ट करने वाले हैं लेकिन 95 फाइव में तब स्टार्ट करूंगा जब पहले आप मुझे बताएंगे कि नाइन वन नाइन टू नाइन थ्री नाइन फोर इज एप्सोल्यूटली क्लियर और नॉट क्लियर और नॉट इज एप्सोल्यूटली क्लियर और नॉट जब तक आप ये नहीं बताएंगे मैं 95 शुरू नहीं करूंगा पहले बताओ इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर यस गाइज आई एम वेटिंग फटाफट बोलो क्लियर और नॉट क्लियर यस yes गायस एक बार फटाफट लिखो फटाफट क्लियर और नॉट क्लियर हाँ जी गाइज प्लीज़ राइड ऑन फास्ट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हेलो गाइस एक छोटी सी थोड़ी सी सैड न्यूज़ है रियली सॉरी फॉर दैट मुझे क्लास को अभी बीच में डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा बिकॉज़ uh, किसी की डेथ हो गई है बहुत क्लोज की और मुझे अभी जाना पड़ेगा और गाइस मैं uh, कल की क्लास भी नहीं ले पाऊँगा जो रेजिडेंशियल स्टेटस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं वो कल होंगे लेकिन कल नहीं हो पाएंगे अब वो मैं आई विल ट्राई कि परसों करूँ क्योंकि अभी मुझे uh, सिटी से बाहर जाना पड़ेगा तो आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि आज आप यही कर लो प्लीज़ परसों में आई विल ट्राई uh, कि मैं आपको नाइन फाइव अलग से करवा दूं और साथ में मैं आपको रेजिडेंशियल uh, स्टेट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊँ कल नहीं हो पाई क्लस क्लास कल मैं दिल्ली में नहीं रहूँगा तो रियली फॉर रियली सॉरी फॉर दैट ठीक है तो आज के लिए इतना ही बैलेंस वी विल डू नेक्स्ट टाइम टिल देन बाय बाय गाइस बाय 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 बाय